हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 को लेकर, जहां पर 19 दिसंबर 2023 के दिन 2024 की आईपीएल की मिनी ऑक्शंस रखी गई, जो दुबई में रखी गई थी, जहां पर मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वहीं पर मिचेल स्टार्क को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर जो आईपीएल के फैंस हैं, जो मिचेल स्टार्क को इस बार देखना चाहते थे, आईपीएल में देखने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ये खबर है। क्योंकि मिचेल स्टार्क के आए दिन T20 क्रिकेट को लेकर या फिर इन फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लेकर काफ़ी उनके जो बयान है वो काफ़ी अतरंगी होते हैं, क्योंकि वो जो बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका कॉन्सेंट्रेट उनके कहने के हिसाब से है कि वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को महत्व देते हैं, और उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो मैच क्रिकेट की जो बात करें किस प्रारूप में है, तो वो है टेस्ट क्रिकेट, यानी रेड बॉल क्रिकेट में उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और इसी वजह से वो दुनिया के जो बाकी फ्रेंचाइजेस क्रिकेट है, जैसे आईपीएल हो गया, बीबीएल हो गया और कैरिबियन सीपीएल हो गया, इन लीग्स में वो हिस्सा नहीं लेते हैं। उनका कहने का मतलब है कि इसीलिए वो 2015 के बाद से आईपीएल में नहीं आए, और वो 2015 के बाद में 2024 में पहली बार आ रहे हैं, ऐसा मान सकते हो आप। और इस बार उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप कह सकते हो 24.75 करोड़ में KKR ने इस बार उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, जिसकी जो मेन जो चीज़ है कि इस बार स्टार्क आईपीएल खेले। लेकिन स्टार्क ने इसके ऊपर एक अपडेट दी है जो हम आपको बताते हैं। मैंने हमेशा टेस्ट क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को प्राथमिकता दी है, और जब किसी रिश्ते में दो शेड्यूल होते हैं तो एक शेड्यूल को एक साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने क्रिकेट से दूर वो समय हमेशा एलिसा के साथ या परिवार के साथ समय बिताया है, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए फिट और तैयार रहने के लिए अपने शरीर को रिचार्ज किया है। मिचेल स्टार्क का कहना यह है कि वो हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, और जो खाली टाइम मिलता है उसमें वो अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करते हैं। यानी उनका जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, जो लीग क्रिकेट्स होते हैं, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है, उस टाइम पे वो रेस्ट करते हैं। उनका मानना यह है कि आईपीएल से हटने के बाद में, 2015 के बाद में उन्होंने आईपीएल नहीं खेली, फायदा हुआ और उनके खेल में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, ये मिचेल स्टार्क का कहना है। वो आईपीएल खेलना पसंद नहीं करते हैं, और वो इस बार आईपीएल खेलने क्यों आए हैं ये भी जान लो। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पैसा निश्चित रूप से अच्छा है और यह इस साल भी है, लेकिन मैंने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को प्राथमिकता दी है। आईपीएल में नहीं खेलने से मेरे खेल को मदद मिली है, अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में आईपीएल से अच्छा फायदा होगा। यानी आईपीएल में इस बार स्टार्क सिर्फ इसलिए खेलने आ रहे हैं क्योंकि आईपीएल के बाद में जस्ट T20 वर्ल्ड कप है, और आईपीएल जो है वो T20 फॉर्मेट होता है, और वो इस बार T20 फॉर्मेट खेलने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले आईपीएल है, तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनका जो ये कह सकते हो कि प्रैक्टिस मैचेस के तरीके से हो जाएगा, और इसमें वो अच्छे से गेंदबाजी करेंगे और अपने आप को फिट रखकर वो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यास के तौर पर यहां पर आ रहे हैं, और ना कि वो इंडियन फैंस को एंटरटेन करने आ रहे हैं। इस बार भी मिचेल स्टार्क जो हैं वो मतलबी नजर आए, और फिलहाल इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड मिचेल स्टार्क इस बार आईपीएल खेलने आ रहे हैं, ये 100% क्लियर है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।